प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। हर समाज नूं सूझवान ते ज्ञानवान बनाउण दा अहम जिम्मा विद्यक अदारियां सिर पैंदा है। पंजाबी बोली साहित्य कला ते सभ्याचार की तरक्की लई बनाई गई पंजाबी यूनिवर्सिटी 50 सालां दी हो गई है। किहो जे रहे ने इह 50 साल? पंजाब दे समकाली ज्ञान पसारे की गल करन वेले यूनिवर्सिटियां दा जिक्र लाजमी है। पंजाबी बोली साहित्य कला ते सभ्याचार दे वधारे ते पसारे लई 30 अप्रैल 1962 नूं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे बनाई गई। आलमी पद्धर उते बोली दे नाम उते यूनिवर्सिटी बनाउण दा माण हिब्रू तो बाद पंजाबी नूं मिलिया है। 600 एकड़ विच बनी पंजाबी यूनिवर्सिटी तो आस कीती गई सी कि यह पंजाबी ज्ञान पसारे दीआं तंदां आलमी तो मुकामी पद्धर तक जोड़ेगी अते म्यारी खोज नूं तरजीह देवेगी। इस वेले पंजाबी यूनिवर्सिटी दा ताणा बाणा चोखा फैल चुकिया है। इस नाल 14 नेबरहुड कैंपस अते 221 कालज जुड़े हुए ने। इस वेले 65 विषयां दी पढ़ाई अते खोज पंजाबी यूनिवर्सिटी विच चल रही है। बोली साहित्य कला अते सभ्याचार नाल जुड़े महकमे खोज अते पसारे दे काम कर रहे ने। समाज विज्ञान अते विज्ञान तो इलावा कंप्यूटर ते तकनीकी विषयां दा इस खिते दे विद्यार्थियों नूं चंगा फायदा होया है। 50 सालां दा दौर काफी वड्डा है। 50वीं वरेगंढ जिथे जश्न दा मौका है उथे पड़चौल दा सबब भी है। इस दौर दी कारगुजारी किहो जिही रही, इह कारगुजारी किन्नी कु तसल्ली बख्श रही? पंजाबी यूनिवर्सिटी दी कारगुजारी, इस दीआं प्राप्तियां ते खामियां उत्ते चर्चा करने लई साडे नाल स्टूडियो विच हाजर ने प्रोफेसर सतीश वर्मा, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी विच नौजवान भलाई महकमे दे निर्देशक ने। प्रोफेसर सुच्चा सिंह गिल, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी दे इकोनॉमिक्स विभाग विचों सेवा मुक्त होए ने ते अजकल क्रिड दे डायरेक्टर जनरल ने, ते सुखजीत जो पंजाबी दे लेखक ने ते साहित्य अकैडमी दे एमिनेंट मैंबर ने। इस अकैडमी दी पंजाबी यूनिवर्सिटी दी स्थापना विच अहम भूमिका रही है। तुहाडा अज दी चर्चा विच स्वागत है जी। सतीश वर्मा जी, अद्धी सदी दा लंबा किस्सा है, किहो जिहा रहा किस्सा? दलजीत जी, ये किस्सा बड़ा खूबसूरत है। इस अद्धी सदी दे विच पहले 11 साल छड़ के मैं भी शामिल हाँ। मैं 74 च एम ए ऑनर्स पंजाबी पार्ट 1 ज्वाइन किया। इस यूनिवर्सिटी के 11 वाइस चांसलर ने, पहले वाइस चांसलर भाई जोत सिंह छड़ के दूसरे वाइस चांसलर तो लैके हुण तक, मैं पहला बतौर विद्यार्थी उस तो बाद अध्यापक के तौर पर माहौल वेख्या। पंजाबी यूनिवर्सिटी का 50 साल का सफर मैं बहुत खूबसूरत लगता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उस यूनिवर्सिटी नाल जुड़िया होया, सिर्फ इसलिए कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाबियों का सुपना है। मैं पंजाबी का छोटा जिहा लेखक हाँ, कलमकार हाँ, कलाकार हाँ। पंजाबी यूनिवर्सिटी का सब तो जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि साढ़े मालवे के पिंडां दे माहौल दे पिंडां दे खुले खुलासे सुभाव वाली यूनिवर्सिटी है। दूसरा, इस यूनिवर्सिटी का 50 साल का सफर इसलिए मैं खूबसूरत लगता है कि जिस मैंडेट नूं लैके यूनिवर्सिटी स्थापित हुई सी उस मैंडेट तो बिल्कुल नहीं थिरकी। साड़ी यूनिवर्सिटी नूं नैक वालों पहला 5 स्टार, उस तो बाद ए ग्रेड मिलिया। जदों हुण ए ग्रेड मिलिया सी 2008 विच, उदों उस टीम ने कमेंट किया सी, वह कमेंट मेरा ख्याल इस 50 साल के सफर लई बहुत इंपॉर्टेंट है। वह कमेंट यह सी कि जिस मकसद नूं लैके यूनिवर्सिटी बनाई गई सी, पंजाबी भाषा साहित्य सभ्याचार के विकास लई, उस तो यह बिल्कुल भी नहीं थिड़की। इन्हें अपने उस केंद्र नूं कायम रख्या होया। हाँ जी, थोड़ा नुकता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। गिल साहब, तुसी जिहड़ा 50 साल दा यूनिवर्सिटी दा सफर है उहदे चों 38 साल तुसी उस यूनिवर्सिटी च पढ़ाया, उहदे बाद भी तुसी उहदे नाल लगातार जुड़े होए हो। जिहड़ा मैंडेट है ते जिहड़ी कारगुजारी है, इन्हां दा आपस दे विच जिहड़ा मेल आ, उहदे बारे तुसी की टिप्पणी करनी चाहोगे? देखो, ओरिजिनली इहदा मैंडेट सी डिवेलपमेंट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज कल्चर एंड लिटरेचर। उहदे करके लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज दे विकास लई ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ 5 ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਏ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਮੌਲਿਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਮਲਟੀ ਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 65 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 65 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 15,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 3 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵ ਉੱਤਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ UGC ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ,
और समाजिक विज्ञान इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है जिथों मैं रिटायर हुए हैं और साइंसिज फिजिक्स डिपार्टमेंट है। इस तो अलावा साढ़े कई डिपार्टमेंट जोड़े ने यू जी सी के स्पैशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ने। तो इतों यह लगता कि यूनिवर्सिटी जी जी है अपना मैंडेट ना छड़ती हुई पंजाबी दे विकास का इन्हें एक फुल फ्लैज्ड यूनिवर्सिटी जी है जिन्हों कहने के ज्ञान विज्ञान दा पसारा जरा करने वास्ते मालवे खेत्र दे विच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इहदे विच अध्यापन तो अलावा खोज का काफ़ी अच्छा काम होया, थोड़े बहुते किते किंतु परंतु हो सकते हैं, लेकिन एक नाल इस यूनिवर्सिटी का जरा विलखण इहदा करैक्टर है वह दो गल्लां करके आ। एक इस करके कि यह ऐसी वाहद यूनिवर्सिटी है इस नदरन रीजन दे विच जिन्हें पसार दे विच भी काम किया, इहदा हल्ला मैंडेट का पाठ नहीं सीगा कि लोगों नाल जुड़ना है कि लोगों तक पहुँच करनी आ, जिस नेबरहुड कैंपसिस का कॉन्सैप्ट आया और जिहड़ियां समाजिक कुरीतियां ने उन्हां दे खिलाफ जिहड़ी मुहिम चलाउण दा। दूसरा इहदा विलखण करैक्टर यह है कि यह बड़ी लाइवली यूनिवर्सिटी है कि इस खिते दे विच जो विचार धरावां चलदियां ने उहदा इक केंद्र बनी रहिंदी है, भावें सठवियां दे विच खब्बी पक्खी लहर होवे या उस तो बाद जिहड़ी है जिहड़ी मिलीटेंट मूवमेंट चली है वह लहर होवे, जिहड़ी लोक ने और जिहड़े जिवें सोचदे लोक ने सोचदे लोकां दी तुहाडे कोल इन्हां सवालां नाल ही वापस आवांगा। सुखजीत जी, तुसीं साहित्य अकैडमी नाल जुड़े हुए हो, अकैडमी दी बहुत वड्डी भूमिका रही है ये यूनिवर्सिटी नूं बनाउण दी, जदों अकैडमी इस यूनिवर्सिटी दी कारगुजारी नूं देखदी है ते तुसीं किन्ने क तसल्ली चों जां किस किस्म दे तुहाडे कोल खर्चे ने? मैं दलजीत जी ये दस्सणा चाहूंगा कि अकैडमी जिहड़ी है साडी साहित्य अकैडमी ये 24 अप्रैल 1954 नूं बनी सी, जदों तुसीं कहिंदे हो ना कि भूमिका है ते भूमिका की रही है मैं वो दसदा, उदों डॉक्टर भाई जोध सिंह प्रधान सी पहले अकैडमी दे ते 54 तो लैके 60 तक हर साल मतलब यह मते पाउंदे रही अकैडमी कि यह यूनिवर्सिटी एक बनाई जावे, जिहड़ी असल च अकैडमी होंद च आई इस करके सी उहदा एक वड्डा मुख कारण जिहड़ा सी उह यूनिवर्सिटी बनाउणा सी पंजाबी भाषा कला कल्चर ते साहित दी प्रफुल्लित करने लई कोई यूनिवर्सिटी होवे इसलिए अकैडमी बनी सी। ते फिर 5 अगस्त 1960 नूं अंबाले जिहड़ी कुल हिंद कानफ्रेंस हुई उस वेले कैरो हो रही सीगे ते 13 मैंबरी एक कमेटी बनाई गई ते भाई जोत सिंह उन्हां नूं कहा गया कि तुसीं इहदे वीसी बनो ते यूनिवर्सिटी जिहड़ी है उदों बाद यूनिवर्सिटी होंद च आउंदी है, महाराजा पटियाला उहदे नाल संबंधित सीगे। इस करके असीं इह मन्नदे आं बहुत सारे होर लोक वी जिहड़े ने कि अकैडमी यूनिवर्सिटी दी मां है ते अकैडमी इहदे कम नूं हुण तक दोए तरां नाल ही देखदी है हमेशा ही, क्योंकि अकैडमी एक विद्वाना की संस्था है, क्रिएटिव लेखकों की भी है, उसका तो मैंबर होने का ही यह है कि उसकी घट्टो घट एक किताब जरूर होनी चाहिए है। तो बिना शक जिहड़ा डॉक्टर वर्मा जी ने ते सुचा सिंह होरां ने कहा है कि वह असीं भी जानते हैं सारे बेशुमार कम होया इन्ना कम के डिक्शनरियां पंजाबी का साढ़े को हो ही नहीं सी सकता जे यूनिवर्सिटी ना होंदी। पर इस तो बिना जदों असीं बैठ के देखदे आं अज 50 साल बाद ओ इह वी है कि बहुत सारियां गल्लां ने, उन्हां चों इक गल नाल मैं गल शुरू करदा कि इस फैकल्टी ने अध्यापन दे नाल नाल जिवें कहा गया है कि कम करना सी बई विज्ञान साइंस पढ़ाउण लई पंजाबी दी तकनीकी शब्दावली तैयार करनी, ओ उस तरह कम नहीं हो सकिया जिहड़ी कि पंजाबी नूं उहदे विच गल इह है कि जिहड़ा पंजाबी डिपार्टमेंट है वह अपना काम तो करता रहा पर बाकी डिपार्टमेंट्स ने जिहड़ा काम करना सी पंजाबी दे विच उह पिछे रह गया। इह कह रहे पिछे रह गया इह कह भी क्योंकि एक जिहड़े वीसी सी पवार साहब उन्होंने यह भी किया कि 60 साल तो बाद जदों कोई 2 साल की एक्सटेंशन लैनी चाहुंदा है ते उन्होंने कहा कि उहदे विच ही इह काम कर लो, 2 साल च उन्होंने शर्त रखी सी कि उहदे च उह इही काम करेगा, लेकिन हुण उह शर्त भी हटा ली गई है कि सानू वह बना के दे दी जाए पंजाबी दी तकनीकी शब्दावली जिहड़ी है, जिहड़ा पंजाबी डिपार्टमेंट का कम है उहदे ते भी आवांगे आपां, उहदे जिहड़े कम ने सारे कि उह उहने सारे कम ठीक ही कीते ने हुण तक नहीं डिपार्टमेंट का जुड़ के कैसे देखते हो? देखो साडे महकमे ने
जिहड़ा UGC दा स्टैंडर्ड जिहड़ा है उहदे म्यार ते उपर जाण वास्ते जिथे अंग्रेजी दे विच कम कीता है उत्थे काफ़ी पुस्तकां पंजाबी च लिखियां गईयां ने। साडे कुलीग्स ने जिहड़े साडे परचे पढ़ाए जांदे ने इकनॉमिक्स दे चैम्मे दे विच, करीब करीब उन्हां सारिआं दीआं पंजाबी दे विच मौलिक पुस्तकां लिखियां ने। पहले दौर विच ट्रांसलेशनस होईआं सीगीआं लेकिन उह इन्नीआं वधीआ नहीं सीगीआं, लेकिन बाद विच यूनिवर्सिटी ने कहा अध्यापकां नूं कि तुसीं मतलब मौलिक पुस्तकां लिखो, तो वह काफ़ी मौलिक पुस्तकां पंजाबी दे विच उपलब्ध कराईआं गईआं ने। और मैं कहना चाहूँगा कि वाहद यही यूनिवर्सिटी है जिहदे च मैं सोशल साइंस का काफ़ी काउंट कर सकदा कि फिलासफी तो लैके सोशियालोजी इकनॉमिक्स मनोविग्ञान राजनीति विज्ञान इतिहास इन्हां दे विच करीब करीब जिन्हें परचे MA च पढ़ाए जाते हैं उन्हां दीआं मौलिक पंजाबी दे विच पुस्तकां जिहड़ियां ने वह अध्यापकां वल्लों लिखियां गईआं ने। और वह काफ़ी पुस्तकां जिहड़ियां ने वह माध्यम के तौर पर जिहड़े पंजाबी च मीडियम नाल विद्यार्थी पढ़ते हैं वह वरत रहे हैं उन्होंने। इहदे नाल ही एक जरनल इथों कढ़िया गया, दो जरनल इनफैक्ट कढ़े गए जिहड़े जिहदा मकसद यह सीगा एक समाजिक विज्ञान पत्रिका ते एक विज्ञान विज्ञाना दे नाते विज्ञान दे नक्श, ये दो मैगजीन भी चलाए गए। और वह मैगजीन जिहड़े ने उन्हां दा मतलब यह सीगा कि जिहड़ी खोज समाजिक विज्ञाना दे विच जां विज्ञाना दे विच हो रही है विद्वान अंग्रेजी च लिखते ने उन्हां दा जिहड़ा सार है ते उन्हां दे आधारित लेख ने वह पंजाबी दे विच लिखण और लिखते रहे ने। इहदे विच जिहड़ा हैगा कुछ समय तक तो यह जिहड़ा पंजाबी वाला जिहड़ा समाजिक विज्ञान का जर्नल है वह साडे समाजिक विज्ञान के प्रोफेसर प्रकाश सिंह जम्मू हुंदे सी कई साल चलाउंदे रहे। इदां ही जिहड़ा साइंस वाला विज्ञान के नक्श ने वह भी साइंस के विभाग के एक अध्यापक जिहड़े सी चलाउंदे रहे, तो वह उस उहदे नाल काफ़ी जिहड़ी यह गल कर रहे आ। उहदे विच इक जिहड़ा सवाल अहम रहा एक तां यह सारे जिहड़ी सरगर्मी की लगातारता एक सवाल के घेरे च रही है, तो दूजा जिहड़ा म्यार आ उहदे ते लगातार सवाल उठता रहा। मैं तुहाडे कोल वापस आवांगा, हुण वेला हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद असीं चर्चा जारी रखांगे।